वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर कायना ज्योति। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो हम लोग चैप्टर नंबर टू के जो फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर टू है, द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी, उसके जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आज चैप्टर नंबर टू का लेक्चर नंबर वन है, द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी। सो आज की जो लेक्चर है इसमें हम लोग फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहे हैं। लाइक जो प्रीवियस वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं चैप्टर नंबर टू फिजियोलॉजी की, गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर टू है उसकी जो प्रीवियस इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोग लाइसोसोम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग फर्दर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, बेसिकली पेरोक्सिसोम्स एंड सीक्रेटरी वेसिकल्स जो है उनके ऊपर आज का पूरा लेक्चर है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पेरोक्सिसोम फिजियोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद पेरोक्सिसोम सेल्फ रिप्लिकेशन प्रोसेस का जो पॉइंट है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, उसको पॉइंट आउट किया गया है गाइटन के चैप्टर में। देन उसके बाद पेरोक्सिसोम एंजाइम्स की बात की गई है, पेरोक्सिसोम का जो टॉपिक है उसके अंदर बेसिकली पेरोक्सिसोम फिजियोलॉजी, इसके सेल्फ रिप्लिकेशन प्रोसेस एंड पेरोक्सिसोम एंजाइम्स डिटॉक्सिफिकेशन बाय पेरोक्सिसोम्स, बेसिकली चार पॉइंट जो है वो गाइटन ने एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर नंबर टू में, जब उसने पेरोक्सिसोम्स का जो टॉपिक है उसे कवर किया है। ये मेन पॉइंट्स है, मींस के उन्होंने बताया कि बेसिकली पेरोक्सिसोम्स किसकी तरीके का स्ट्रक्चर लगता है, मींस ये लाइसोसोम की तरीके का की तरह है या गॉल्जी अपैरेटस की तरह है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, तो उसको एक्सप्लेन किया जाए उसके पास। और उसके बाद उसके जो डिफरेंस है, मींस के उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल्फ रिप्लिकेशन का, उसके अलावा उसके एंजाइम्स और उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन किया है, ताकि वो दूसरे सेल के ऑर्गेनेल्स से किस तरीके से डिफरेंट है, वो सारे वो पॉइंट जो है वो गाइटन ने डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस की है। मेरे लेक्चर के बाद जब आप उसे रीड करोगे उस पॉइंट को, तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद सीक्रेटरी वेसिकल्स फिजियोलॉजी को डिस्कस किया है, सीक्रेटरी वेसिकल फिजियोलॉजी के फंक्शंस को डिस्कस किया और सीक्रेटरी जो वेसिकल की फॉर्मेशन है वो किस तरीके की है, मतलब ये सिमिलर टू है गॉल्जी अपैरेटस या सिमिलर टू है राइजोसोम्स, वो सारा डिस्कस किया। देन एक्टिवेशन ऑफ द सीक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। सो गाइस, जब आप लोग लाइसोसोम और सीक्रेटरी वेसिकल्स का और पेरोक्सिसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी अपैरेटस इन सब के लेक्चर जो मेरे अपलोड हो चुके हैं वो एक बार आप सुन लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गॉल्जी अपैरेटस की तरह मीन्स के उसके वेसिकल्स जब स्प्रेड होते हैं या वहां से बडिंग ऑफ होती है उनकी, तो उससे ही ये सेल के ऑर्गेनेल्स जो है बेसिकली ड्राइव हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक गॉल्जी ऑपरेटर से मिलती हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं। गाइटन का जो मैं आज टॉपिक पेरोक्सिसोम्स और सिक्योरिटी वेसिकल से रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ, बहुत अच्छे से गाइटन ने एक्सप्लेन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, वेल एक्सप्लेन टॉपिक है, इजिली आप लोग इसे जो है वो आराम से कवर कर लेंगे। सो हम लोग आते हैं पेरोक्सिसोम्स पे। पेरोक्सिसोम्स आर सिमिलर फिजिकली टू लाइसोसोम बट दे आर डिफरेंट इन टू टू इंपॉर्टेंट वेज। एक्चुअली ये कह रहा है कि पेरोक्सिसोम्स जो है वो काफी हद तक सिमिलर है लाइसोसोम्स के, और आपने प्रीवियस लेक्चर में मैं ये कवर कर चुकी हूँ लाइसोसोम्स का टॉपिक, वो जाके आप लोग देख लें। तो लाइसोसोम की जब बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि लाइसोसोम जो है वो गॉल्जी अपैरेटस से क्या है, सिमिलर है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वेसिकल जो ट्यूब्स वेसिकल्स ट्यूब्स का स्ट्रक्चर गॉल्जी अपैरेटस का होता है बेसिकली वही लाइसोसोम्स का ही होता है, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि कुछ जो वेसिकल्स होते हैं उनकी बडिंग ऑफ होती है हमारे पास गॉल्जी अपैरेटस से, सो देन वो हमारे पास लाइसोसोम्स कंसिडर किए जाते हैं। सो इसलिए पेरोक्सिसोम भी जो होते हैं वो फिजिकली लाइसोसोम्स की तरह ही है, लेकिन इनके दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, दो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करें कि वो कौन से। जाहिर सी बात है, अगर लाइसोसोम्स एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो पेरोक्सिसोम्स अलग स्ट्रक्चर है, तो इसमें उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब वो वैसे अगर वो सिमिलर हो, ठीक है, अगर वो फिजिकली भले सिमिलर हो लाइसोसोम्स के पेरोक्सिसोम्स, बट मेन रीजन ये है कि अगर वो डिफरेंट स्ट्रक्चर तो इसमें उसका फंक्शन डिफरेंट होगा, तो अब वो कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसकी डिफरेंस को शो कर रहे हैं, वो मेन ये है। फर्स्ट, दे आर बिलीव टू बी फॉर्म बाय द सेल्फ रिप्लिकेशन और परहैप्स बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला पॉइंट ये है कि ये सेल्फ रिप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पेरोक्सिसोम से, मींस कि ये सेल्फ रेप्लीकेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से
ये डेवलप होते हैं. तो इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो होती है, और ये एक मेन पॉइंट है पेरोक्सिज़ोम्स का. ठीक है, इस तरीके से दूसरा ये पॉइंट है कि इनकी बडिंग ऑफ होती है, ये कहाँ से अट्रैक्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सो अब सोचने कि गोल्जी ऑपरेटर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिज़ोम्स, ठीक है, या फिर हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल, इन सब का आपस में बहुत बड़ा लिंक है. सो आप लोग प्रॉपरली इनकी लेक्चर्स को देखेंगे, थ्रूआउट जितने लेक्चर्स इनके अपलोड हो चुके हैं वो सारे अगर लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपके क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट. ठीक है, कोई भी एक वीडियो स्किप ना करें ताकि इजीली आप समझ सके. सो पहला पॉइंट ये है कि ये इनकी सेल्फ रिप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा ये है कि मतलब ये बडिंग ऑफ भी होती है उनकी कहाँ से, या तो वो बडिंग ऑफ होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. आगे चलते हैं, सेकंड दे कंटेन ऑक्सीडेजेस रेदर देन हाइड्रोलाइसिस. अच्छा, अब लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है उसे कंटेन कर देते हैं. उनके अंदर बेसिकली हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज करता है. यहाँ पे ऑक्सीडेसिस जो हमारे पास एंजाइम है वो होता है. ठीक है, अब उसका क्यों वो एंजाइम होता है, उसका क्या लिंक है, वो आगे डिस्कस करेंगे. सेवरल ऑफ द ऑक्सीडेसिस आर कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन आयंस ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट इंट्रा सेलुलर केमिकल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे वो कह रहा है कि बहुत सारे जो हैं सेवरल ऑक्सीडेसिस होते हैं, मतलब सेवरल ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होते हैं, वो कैपेबल क्या होते हैं कि कंबाइनिंग ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन आयंस, मतलब वो क्या करते हैं कि अपना ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं. मीन्स कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट इंट्रासेलुलर केमिकल्स के दरमियान, ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट इंट्रासेलुलर केमिकल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड. मीन्स आप सिंपल ले लें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन में कौन हमारे पास हेल्प करता है, ऑक्सीडेसिस एंजाइम जो है वो बेसिकली हेल्प करता है. वो क्या करता है, कंपाउंड्स में, मतलब जो भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, उनको हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन या फिर कोई भी ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड आपकी बॉडी में जब होता है तो अगर वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, H2O2, ठीक है, में कन्वर्ट हो जाए, तो इट्स मीन्स उसका क्या होता है कि वो लेस टॉक्सिक हो जाता है. ठीक है, वो लेस टॉक्सिक हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो उस टॉक्सिक कंपाउंड से जो है वो गेट रिड हो जाएगी उस टॉक्सिक कंपाउंड में. आगे चलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड इज यूज इन एसोसिएशन विथ कैटलेज एंड अदर. अब हाइड्रोजन जो यहाँ भी कह रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और ये यूज होता है कैटलेज एंजाइम के साथ. एनदर ऑक्सीडेसिस एंजाइम प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन परऑक्सीजोम्स टू ऑक्सीडाइज मेनी सब्सटेंस दैट माइट अदरवाइज बी पॉइजनस टू द सेल. मीन्स के परऑक्सीजोम में बहुत सारे डिफरेंट काइंड के ऑक्सीडेसिस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी के, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और उनका वही होता है, उनका वही एक ही फंक्शन होता है. वो क्या करते हैं कि जो भी टॉक्सिक कंपाउंड है उसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. बेसिकली जैसे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का बार बार कॉन्सेप्ट आता है, तो अब वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में उसे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उन पॉइजनस जो भी सब्सटेंसेस है उनसे बच सके, और हमारी बॉडी में वो पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो एक्युमुलेट ना हो. सो बेसिक ये फंक्शन होता है. फॉर इंस्टेंस, अबाउट हाफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक इज डिटॉक्सिफाइड बाय द परऑक्सीजोम्स ऑफ द लिवर सेल इन दिस मैनर. अच्छा, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से, लाइक यही ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स हैं, इन ऑक्सीडेसिस एंजाइम की वजह से जो कि परऑक्सीजोम्स में पाए जाते हैं, क्या होता है कि हाफ ऑफ द अल्कोहल, एक अल्कोहलिक पेशेंट है, मेन रीजन यही होता है कि अल्कोहलिक जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सेल का ये स्ट्रक्चर है, लाइक सेल का ये ऑर्गेनेल जो जिसे हम लोग परऑक्सीजोम्स कह रहे हैं, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइक ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होता है जो कि उस अल्कोहल को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, लाइक लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से एक्युमुलेशन नहीं होती उस टॉक्सिक कंपाउंड की हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी जो है उस कंपाउंड को लेस पॉइजनस कर देती है हमारे सेल के स्ट्रक्चर के तौर पर. इसलिए हमारी बॉडी के अंदर फिर क्या होता है कि एक वो अल्कोहलिक पर्सन ईजिली जो है वो सर्वाइव कर सकता है. अब ये कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है परऑक्सीजोम्स, आपको पता चल गया कि अगर ये ना हो तो बॉडी को कितने सारे प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़े. मीन्स कि बॉडी खुद ही केमिकली तौर पर
जो पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं हमारी बॉडी में जो पॉइजनस क्रिएट करते हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देती है। सो अब ये सारे पॉइंट पेरोक्सिज़ोम्स के कवर हो गए, पेरोक्सिज़ोम की फिजियोलॉजी कवर हो गई कि ये लाइसोसोम्स की तरह ही होते हैं फिजिकली, बट इनके अंदर दो प्रॉपर्टीज, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस की प्रॉपर्टी और पेरोक्सिज़ोम्स एंजाइम्स वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये दो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से वो लाइसोसोम से डिफरेंट होता है। अच्छा, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन बाय पेरोक्सिज़ोम। डिटॉक्सिफिकेशन इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि ये ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स के तौर पर या फिर ऑक्सीडेसिस कैटालेज एंजाइम के साथ मिलकर हमारी बॉडी में जो है वो एक पॉइजनस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो पेरोक्सिज़ोम्स के सारे पॉइंट जो है वो बेसिकली कवर हो चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मतलब पेरोक्सिज़ोम्स को कवर किया, पॉइंट जो है उसके क्लियर हो चुके हैं। पेरोक्सिज़ोम्स के बाद हम लोग अब सिक्रेटरी वेसिकल्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं सिक्रेटरी वेसिकल्स को ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन करूं तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है एज ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर, मेन क्या है सिक्रेटरी वेसिकल्स की फिजियोलॉजी, सिक्रेटरी वेसिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द सिक्रेटरी वेसिकल्स, इसको कवर करना है। सो अब चलते हैं हम इसको सिक्रेटरी वेसिकल्स। अच्छा, अब सिक्रेटरी वेसिकल्स में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मेनी सेल्स इज सिक्रीशन ऑफ द स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस, मींस के बहुत सारे जो मेन फंक्शंस में से जो सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उनमें से कुछ सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि उनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें वो सिक्रीट करते हैं, मींस के उनके पास सिक्रीशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को जो है वो सिक्रीट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सिक्रीटरी सब्सटेंसेस आर फॉर्म बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉजी अपरेटस सिस्टम इनटू द साइटोप्लाज्मा। अच्छा, इनमें से बहुत सारे जो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं बेसिकली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गॉल्जी अपरेटस का जो सिस्टम है वो रिलीज करता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। दे आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज वेसिकल्स कॉल्ड सिक्रेटरी और सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। अच्छा, अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि सिक्रेटरी वेसिकल्स होते क्या है। बेसिकली सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास स्टोरेज वेसिकल्स हैं, ठीक है। स्टोरेज वेसिकल्स मतलब ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली स्टोरेज का काम करती हैं। सो दीज आर ग्रेन्यूल्स और वेसिकल्स जो कि सिक्रेटरी वेसिकल्स कहलाते हैं जो कि स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं। अच्छा, इन्हें अब सिक्रेट कौन करता है? मेनली गॉल्जी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस हमारे पास सेल इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज करते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं या हम लोग स्टोरेज वेसिकल्स कह रहे हैं उन्हें, ठीक है। अब समझ आ गया कि सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या है? बेसिकली ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं जो कि गॉल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली तौर पर जो है वो केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल्स के तौर पर रिलीज करते हैं। देन आगे चलते हैं। दिस फिगर शोज टिपिकल सिक्रेटरी वेसिकल्स इनसाइड pancreatic SNR cells. These vesicles store proteins, proenzymes, enzymes that are not yet activated. अच्छा, गार्टन में अच्छी सी डायग्राम दी गई है। बेसिकली ये हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स की डायग्राम दी गई है, ठीक है। ये भी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स ही आप लोगों को मिलेंगे लेकिन ये बहुत वाइडर हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं, अब ये इन्होंने पेनक्रियाटिक SNR सेल है, ठीक है, पेनक्रियास का SNR सेल है। अच्छा, ये SNRs वगैरह आप लोग हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे जब आप किसी भी सेल के ग्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हिस्टोलॉजिकल के तौर पर, तो उस वक्त इसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि अब ये वेसिकल्स क्या करते हैं, इनको वेसिकल का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन्स को जो है वो स्टोर करती हैं या प्रो एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो एंजाइम्स तो हैं बट वो एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। जैसे ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम्स होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट होने के लिए ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ता है। सो उसके बाद दूसरा कोई एंजाइम्स कोई केमिकल सब्सटेंस एक्ट करेगा तब जाके वो अपनी एक्टिवेशन फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम्स होते हैं, हर उनको हर सेल में एक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन दी जाती है। हर एंजाइम्स कोई एंजाइम किसी जगह पे एक्टिवेट होता है, कुछ कहीं और एक्टिवेट होता है। सो अब ये एंजाइम्स, ठीक है, लाइक ये स्टमक के एंजाइम्स हैं, अब ये एंजाइम्स हमें स्टमक में मिलते हैं, लाइक ट्रिप्सिनोजेन हमारे पास, पेप्सिनोजेन, अब वो हर वक्त एक्टिवेटेड नहीं होते, उनके ऊपर ऐसे ही नहीं कोई और कंपाउंड कोई और केमिकल्स जो होते हैं वो उनके ऊपर एक्ट करते हैं तभी जाके वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो अब तक एक्टिवेटेड नहीं होते वो एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे इन सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अच्छा, इनकी एक्टिवेशन, अब ये आप पूछेंगे कि क्यों, ये तो एंजाइम्स हैं तो ये क्यों एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते, क्यों ये डीएक्टिव होते हैं? सो ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे हाईली जो है वो हमारे पास टॉक्सिक हो जाते हैं, मीन्स के
अगर वो एंजाइम्स बार बार अपनी प्रॉपर्टी करता रहेगा, अपनी प्रॉपर्टी जो उसके जो उसका फंक्शन है उसे परफॉर्म करता रहेगा और सेल को उस फंक्शन की अभी जरूरत भी नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को जो है बहुत सारे डैमेजेस होंगे। लाइक अगर मैं स्टमक की बात करती हूँ, अगर पेप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन है, अगर ये एंजाइम्स रिलीज हो गए, ठीक है, ये एंजाइम्स रिलीज होते, एक्टिवेटेड होते, तो ये हमारे स्टमक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते, ठीक है, अपने ही सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो एडवांटेज सेल्स हैं, उनको ही डिस्ट्रॉय कर देते। तो ऐसे एंजाइम्स का क्या फायदा? सो ये ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं उसी वक्त रिलीज होते हैं, उसी वक्त एक्टिवेटेड होते हैं, डीएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेटेड में कन्वर्ट होते हैं जब इनकी जरूरत होती है सेल को, जब फूड पास होगा स्टमक में, तब ये एंजाइम्स जो है वहां पे क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे। तो ऐसे एंजाइम जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं उन सब को ये स्टोर करता है, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम। सो ये पूरा इसका वेसिकल का स्ट्रक्चर है, आप लोग गाइडन में देखेंगे तो आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है, वेसिकल्स को जब आप डिस्कस कर रहे होंगे। देन हमारे पास क्या, द प्रोएंजाइम्स आर सीक्रेटेड लेटर थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड हेंस इनटू द ड्यूजिनम। अब ये प्रोएंजाइम्स, ठीक है, लेटरली क्या होते हैं कि आउटर सेल मेम्ब्रेन से पैनक्रियाटिक डक्ट में जाते हैं और फिर ड्यूजिनम में जाते हैं, ठीक है, हेंस इनटू द ड्यूजिनम, इन ड्यूजिनम्स वेयर दे बिकम एक्टिवेटेड एंड परफॉर्म डाइजेस्टिव फंक्शंस ऑन द फूड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वही बात है, अब क्या हुआ, ये एंजाइम जो सीक्रेटेड वेसिकल्स के अंदर थे, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू डिफरेंट चैनल्स होंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होंगे जो इन्हें हेल्प करेंगे कि ये आउटर सेल मेम्ब्रेन से होते हुए पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूजिनम में जाएंगे और फिर ड्यूजिनम में क्या होगा, वहां पे ये एक्टिवेटेड होंगे और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑन द फूड इन द इंटेस्टाइन ट्रैक में, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आई होप अब ये लाइन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। मीन्स के ये पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे, अब फिर ये कहाँ पे एक्टिवेटेड हुए, ड्यूजिनम में एक्टिवेटेड हुआ, ठीक है, फिर वहां पे क्या फंक्शन है इनका, जो फंक्शन फिर उन्होंने वहां से परफॉर्म करना होगा डाइजेशन ऑफ फूड के लिए इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन ट्रैक के अंदर, तो ये वहां पे परफॉर्म करेंगे। सो आई होप आई नो, ये दो पैराग्राफ हैं, ये गाइडन के दो पैराग्राफ हैं, लेकिन इनको मैंने इतनी डिटेल में क्यों कवर करवाया। सो गाइस, गाइडन का हर पैराग्राफ डिटेल मांगता है, उसका लिंक, हर चीज का लिंक, हर पैराग्राफ का लिंक दूसरे पैराग्राफ से होता है। अब गॉल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स और सीक्रेटरी वेसिकल्स, ये सब मैंने डिस्कस किए और इन सब का एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा लिंक है। सो आई होप ये लेक्चर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ, आप इन स्लाइड्स को देख लें कि किस तरीके से हम लोग डिस्कस किया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स के यहाँ पे आपको सारे मिल गए हैं। देन उसके बाद सेकेंड, इनके फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिल गए हैं, कैसे ये डिफरेंट हैं। देन ये उसकी एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज हैं, देन सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के बाद आपको इसका स्ट्रक्चर है। देन ये आज का लेक्चर जो है वो हमारे यहाँ पे कवर हो गया है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बार बार इस लेक्चर को सुने, सीक्रेटरी वेसिकल्स हों या पेरोक्सिसोम्स हों, हर टॉपिक अपनी इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसके बाद अगर इन दो पैराग्राफ्स को आप लोग जाके इजीली अपनी बुक से रीड करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपके बिल्टअप अभी से होंगे तो फिर गाइडन के दूसरे चैप्टर्स कवर करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आते होंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। सो आई होप अब एंड आई एम मैं ट्राई करूंगी, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली बेसिस पे फिजियो के लेक्चर्स अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों की आई नो कमेंट्स आते हैं कि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करूं। सो आई होप आप लोगों की ये क्यूरीज भी जो है कवर हो जाएंगी अब हर लेक्चर से। सो टिल देन, हाफिज़ गाइज़।